हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए अभी एस के सर हैं वो यहाँ पर अभी उपस्थित नहीं है क्लासेस लेने में, अभी वो असमर्थ हैं। इस वजह से आप लोगों के लिए हम यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर की कुछ क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। फिर वो आ जाएंगे, फिर वो आपको हिस्ट्री पढ़ाया करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो राधा मैम है वो कई बार मैसेज कर चुकी हैं, सर क्लासेस नहीं चल रही हैं। तो हम आप सभी की समस्याओं के बारे में समझ सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा परेशान होंगे कि अचीवर बैच के कुछ दिनों से क्लासेस हैं वो ऑफ हैं, कुछ क्लासेस हैं वो स्लिप हुई थी फिर बीच में क्लास ऑफ कर दी गई थी। तो आप लोगों के लिए परेशान नहीं होना है, आप कॉन्टिन्यूसली क्लास चला करेगी। शाम को 9 बजे से आप लोगों के लिए डेली क्लास मिलेगी ये आर्ट एंड कल्चर। अगर जिस दिन एस के सर नहीं हुआ करेंगे उस दिन हम क्लास लिया करेंगे, वैसे एस के सर कॉन्टिन्यूसली आप लोगों को पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। तो डेली अब आप लोगों के लिए वीडियो मिला करेगी। यहाँ पर देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, जिसको हिंदी में आप लोग जानते होंगे। इसको हम आप लोगों के लिए पीटी और मेंस के लिए पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने अचीवर बैच या सेकंड फाउंडेशन बैच में एडमिशन लिया है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो देखना अनिवार्य है, क्योंकि आपका ही हम यूट्यूब पर अभी करा रहे हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। और ये क्लासेस हैं टोटली हिंदी में होने वाली हैं। देखिए हम आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत हम यहाँ पर भारतीय विरासत के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जैसे भारत की जो स्थापत्य कला है, वास्तुकला है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, मूर्तियों के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही सविस्तार में हम लोग पढ़ेंगे। भारत के धर्म दर्शन के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सविस्तार पढ़ेंगे। जैसे कि मंदिरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको आपको नागर शैली, द्रावण शैली और ये सारी शैलियाँ देखने को मिलेंगी। इन हम लोग देखेंगे इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसी तरह से देखिए हम लोग यहाँ पर जो स्थापत्य कला है उसके बारे में भी देखेंगे, जैसे इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला है वो कैसे आई, कैसे दोनों मिश्रित हुई, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, किस किस के कौन कौन से उदाहरण देखने को मिलेंगे उन उदाहरण के बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए नृत्य के बारे में, तो भारत में कितने प्रकार का नृत्य पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा ज़्यादा फेमस है, कौन कौन सा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, लोकेशन के साथ में, विशेषताओं के साथ में हम लोग सविस्तार में बात करेंगे। यहाँ पर जैसे कि अगर हम चित्रकला की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को जैसे अजंता की यहाँ पर कुछ हमने पेंटिंग्स लगाई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं अजंता की भित्ति चित्र आपको देखने को मिली। तो हम भारतीय पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है, उन पेंटिंग्स के बारे में कहाँ पर वो मिली हैं, ओके कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे, किस किस प्रकार। देखिए आज कुछ आपको इस तरह से न्यूड पिक्स भी देखने को मिलेंगे, तो ऐसा मत समझिए कि सर आप हमको ऐसी चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं। ओके, आज तक तो हमें समाज ने बताया कि ऐसी चीजों को नहीं देखना चाहिए, भले ही आप लोग अब अकेले में चाहे कुछ भी करते हो लेकिन पब्लिकली ये बातें करने के लिए मना किया जाता है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं और आप एक आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है बायस्ड होकर के रखना है। यहाँ पर आपको धर्म से रिलेटेड भी चीजें देखने को मिलती, तो दो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी लोग हैं तो वो लोग परेशान ना हो। सभी धर्मों के बारे में बात करेंगे, सभी रीति रिवाजों के बारे में हम बात करेंगे, सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो अभी देखिए बहुत सारी चीजें आएंगी, तो देखिए यहाँ पर जो भी हम पढ़ाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके पेपर के लिए, तभी वो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए जैसे यहाँ पर आपको हड़प्पा देखने को मिलेगा, जब ये हड़प्पा खुदाई हुई थी तो इस तरह से आपको सिर्फ उसका नीचे का जो बेस था वही मिला था खुदाई में, ऊपर का तो सब डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन उसको रिक्रिएट करने का यहाँ पर इस तरह से प्रयास किया गया। माना गया कि ऐसे चारों तरफ यहाँ पर एक नेबर होगी, इधर एक तालाब खोदा होगा और इस तरह से वहां पर नगरीय संरचना आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह से बनाया था। तो इसकी खुदाई के समय यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमको मिली, जैसे कि यहाँ पर योगी की मुद्रा में एक मूर्ति मिली, तो हम लोग इससे देखेंगे अच्छा इससे हम क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं। ओके, तो जैसे एक चादर ओढ़े हुए योगी आपको देखने को मिलेंगे, इनकी मुद्रा के बारे में बात करेंगे, इनके क्या क्या चीजें हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से देखिए एक आपको इधर पशुपति देखने को मिलेंगे, एक मूर्ति इधर आपको देखने को मिलेगी, ये पशुपति की मूर्ति मानी जाती है, इनके चारों तरफ कुछ जानवर देखने को मिलेंगे, पूछा जाता है कि किस तरफ कौन सा जानवर पाया जाता है। पीसीएस में तो डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम मजा ही आ जाता है, और यूपीएससी में भी पूछा जाता है लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड करके पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पर जो पशुपति की मूर्ति मानी जाती है उस मुद्रा में बैठे हुए हैं जिस मुद्रा में हमारे शिव जी बैठे हुए होते हैं, और उनके पास भी बहुत सारे जानवर उनमें पाए जाते हैं। तो माना जाता है कि ये जो आज के जो हम लोग जिनको विष्णु जी के नाम सॉरी शिव जी के नाम से जानते हैं, तो वही शिव जी का ही रूप आपको देखने को मिलेगा। ओके, और इसी तरह से डांसिंग गर्ल भी आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ से पूछे जाते हैं कौन सा हाथ है वो किस साइड में कमर पे रखा हुआ, कौन सा हाथ है जिसमें चूड़ियां हैं, इस तरह से पूछा जाता है। ये काफी सुंदर आपको मूर्ति देखने को मिलेगी। इसी तरह से बहुत सारे मृदभांड है, उन पर बहुत सारी लिपियां, बहुत सारी यहाँ पर मोहरे देखने को मिलेंगी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इसी तरह से मंदिरों के ऊपर भी बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पर बहुत सारी
एडल्ट मूर्ति अभी जैसे खजुराहो की, वो ना केवल वैसे इंपॉर्टेंट बल्कि विश्व धरोहर में भी उनको रखा गया है। आपको देखने को मिलेगा कि जो ये मूर्तियां है, ये मंदिर है, ये शैली है, इनके लिए विश्व धरोहर में रखा गया है, यूनेस्को की साइट में भी रखा गया। भारत तो इन्हें संरक्षण देता है बल्कि विश्व लेवल पर भी इनको संरक्षण दिया जाता है। इसी तरह से सूर्य मंदिर में भी बहुत एडल्ट्री वाली चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ से आपको समझ में आएगा कैसे हमारी सारी परंपराएं स्टार्ट हुई हैं, कैसे कैसे सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं। तो देखिए, पहले हम प्रकृति की पूजा ज्यादा कर देते हैं, जैसे कि पेड़ पौधा, नदी, अग्नि, सूरज, तो आज भी हम पूजा करते हैं उसी तरह से। तो यानी कि जो परंपराएं चली आ रही थी उन्हीं में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है, वो आज भी चली आ रही हैं। और आपको देखने को मिलेगा पहले जैसे कि जो स्त्री और पुरुष होते हैं उनके जो प्राइवेट अंग होते हैं जिसको लिंग और योनि बोलते हैं, तो उनकी भी पूजा की जाती थी। हम नेचुरल चीजों की ज्यादा पूजा करते थे क्योंकि उसी से क्या होता है, एक माँ, एक बच्चे का, एक शिशु का जन्म होता है और जन्म होकर के फिर बाद में वो एक मानव बनता है। यानी कि इसके लिए बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता था, और जो योनि होती है और लिंग होता है इसका पहले से ही इसकी पूजा होती चली आ रही है। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं ये छोड़ो, ये छड़ी की मूर्तियां, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग बात करें कहाँ पर मिली, क्या क्या है। जैसे देखिए, महिलाएं पहले भी अपने फिगर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती थी, तो आज ऐसा नहीं है कि महिलाएं आज से ही अपने फिगर पर ध्यान देती है, महिलाएं पहले से ही अपने फिगर पर बहुत ध्यान देती हैं। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग बात करेंगे ये छोड़ो, ये छड़ी की मूर्तियों के बारे में, काफी खूबसूरत मूर्तियां ये आपको देखने को मिलेंगी। अरे देखिए, जो लड़के हैं वो टर्की हैं, वो और कोई खूबसूरती की बात कर रहे होंगे, नहीं, यहाँ पर हम मूर्ति कला की यहाँ पर बात कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जैसे कि पहले जो बहुत सारे पत्थर मिले हैं यहाँ पर आपको, जो कुछ इस तरह से लंबा लंबा यहाँ पर पत्थर देखने को मिलेगा, इसको लिंग माना जाता था। और देखिए, पत्थर होता था जिसमें बीच में इस तरह से गोल गोल पत्थर होते थे, वो बीच में उसमें होल होता था, उसको योनि माना जाता था। इनकी पूजा की जाती थी हमारे लोगों के द्वारा, हमारे जो पूर्वज थे उनके द्वारा इनकी पूजा की जाती थी। और बाद में परिष्कृत रूप जो निकल के आया, वही निकल के आया शिवलिंग का, ये परिष्कृत रूप है। तो देखिए, इस तरह से शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिए, स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है इसको थोड़ा सा नीचे से कट हो गया, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, तो देखिए आपको खूब अच्छे से यहाँ पर दिखेगा। देखिए, अब आप लोगों के लिए एकदम क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए, इसका जो ऊपर वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा ना, एक मिनट इसको हटा देते हैं। देखिए, इसमें देखिए आपको ऊपर वाला पार्ट देखने को मिलेगा, ये क्या है, ये लिंग माना जाता है। और नीचे वाला जो इस तरह से ये पार्ट होता है इसको क्या माना जाता है, इसको योनि माना जाता है। ओके, इसी तरह से देखिए जो नीचे वाला पार्ट है इसको बेस माना जाता है। इसमें पूरा हमारे संसार है, हमारा पूरा ब्रह्मांड है, इसके क्रिएशन की बात यहाँ से की गई है। जैसे ब्रह्मा है उन्हें क्रिएटर माना जाता है, और जो विष्णु है वो यहाँ पर जो प्रिजर्वर है उनके रूप में देखा जाता है, जो शिव है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉयर के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे कैसे सृष्टि की रचना होती है, कैसे सृष्टि है वो यहाँ पर उसका विनाश हो जाता है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत कुछ आप लोग जानेंगे, हमारे धर्म दर्शन, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराओं के बारे में आपको गर्व महसूस होगा आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के बाद में, और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और सिर्फ इस बार ही हम आर्ट एंड कल्चर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, अगली बार से आर्ट एंड कल्चर हमारी और मेंबर पढ़ाए करेंगे टीम के, हम और सब्जेक्ट पढ़ाए करेंगे, क्योंकि अभी तक हम आपको पूरे जीएस पढ़ाते थे अपनी ऐप पर, लेकिन अब आप लोगों के लिए हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि अब पूरी टीम मिलकर के काम करा करेगी, तो हम जल्दी से आप लोगों का कोर्स फिनिश कर दिया करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट 3 बैचेस लॉन्च किए थे और इतने सारे मैसेज आए, तो उनका भी अब आप लोगों के लिए जवाब मिल गया होगा, क्योंकि आज ही हमने 10 बजे वीडियो अपलोड की है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पूरा बता दिया किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म का लिंक कहाँ है, तो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक, इस वीडियो के लिंक में भी दे दिया जाएगा, या फिर आप लोग हमारे चैनल को रिविजिट करेंगे तो वहां भी आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोगों के लिए ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दिया जाएगा, और ना मिले तो नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको इसका लिख दे दीजिएगा। और आप लोग इसी तरह से प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता वो भी कमेंट बॉक्स में पूछिए। और देखिए, बहुत सारी हम मैराथन क्लासेस में से 3 मैराथन क्लासेस आपको दे भी चुके हैं, और क्लासेस आपको मिल जाएंगे। ओके, अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं उनके भी लिंक दे दिए जाएंगे। अभी आप लोगों की इसमें एडमिशन नहीं लेना है जाकर, क्योंकि अब हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही बैच लेकर के आगे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना। जिन लोगों ने अभी तक हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया वो लोग हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लें। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का आर्ट एंड कल्चर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, सभी लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और लिखना प्रारंभ करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, अभी ये बैठने वाला सिस्टम बनाया है ना, तो इसमें थोड़ा सा हमें समझ नहीं आता किस तरह से बैठना है। अभी तक हम लोग खड़े होकर के पढ़ाते थे, उसमें काफी मजा आता था, और उसमें राइटिंग भी बहुत प्यारी आती है। इसमें राइटिंग भी थोड़ी इतनी अच्छी ज्यादा हम नहीं आ पाती है, क्योंकि अभी हैबिचुअल नहीं हुए हैं।
दोबारा से इसका जो सेटअप है वो चेंज कर दिया जाएगा, खड़े होकर के ही हम जल्दी ही आप लोगों के लिए पढ़ाने लगेंगे, तब फिर से अच्छा लगे। खड़ा होकर के पढ़ाने में समझाने में काफी मजा आता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें कला एवं संस्कृति की, बात करें तो यहाँ पर भारतीय विरासत एवं संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए भारतीय विरासत के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो भारतीय विरासत के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो भारतीय विरासत के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि भारतीय विरासत है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ यानी कि इसके आशय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका आशय क्या होता है हम इसके आशय के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा भारतीय विरासत है इसके वर्गीकरण के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ओके, इसका हम लोग वर्गीकरण करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे भारतीय विरासत का महत्व क्या है, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका महत्व क्या है, हम इसके महत्व और बा इसके संरक्षण की भी बात करेंगे, ओके, संरक्षण की भी बात करेंगे। तो अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो भारतीय विरासत है इसको हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। एक आपको देखिए सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलेगी, एक होती है वो क्या होती है सांस्कृतिक, आप लोगों के लिए नोट करना है, ओके, ऐसा नहीं है सिर्फ देखना है कि सर तो मास्टर दे रहे हैं मजा आ रहा है बहुत, आपको एक तरफ लिखना है सांस्कृतिक विरासत अगर हम वर्गीकरण की बात करें, दूसरी तरफ आपको किस तरह की देखने को मिलेगी, दूसरी तरफ आपको प्राकृतिक विरासत देखने को मिलेगी जो नेचुरल होती है, ओके, दूसरी तरफ आपको कौन सी विरासत देखने को मिलेगी, प्राकृतिक, प्राकृतिक विरासत आपको देखने को मिलेगी, विरासत आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए सांस्कृतिक विरासत की भी अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एक मूर्त, दूसरी अमूर्त और तीसरी आपको देखने को मिलेगी डिजिटल। तो देखिए एक मूर्त सांस्कृतिक विरासत हो सकती है, दूसरी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो सकती है और तीसरी आपको देखने को मिलेगी डिजिटल, ओके। देखिए जैसे कि मूर्त क्या होती है, जिसको आप छू सकें, जो मूर्त रूप है, जैसे कि हमारे मंदिर है वो क्या है एक मूर्त सांस्कृतिक आपको देखने को मिलेगी विरासत, जैसे कि आप मंदिर को छू सकते हैं, मूर्तियों को छू सकते हैं, ओके, हमारे भवनों को छू सकते हैं, वो कैसी है, सभी की सभी मूर्त है। अमूर्त का मतलब होता है जिसे छुआ ना जा सके, जिसको देखा ना जा सके, जैसे कि योग, जैसे कि धर्म, जैसे कि दर्शन, जिसको आप छू नहीं सकते, जिससे आपके सिर्फ फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं लेकिन उन्हें आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ओके। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम अमूर्त बोलते हैं। डिजिटल का मतलब है जैसे कि आपके मोबाइल में डिजिटली रूप से जो चीजें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं। जैसे दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा प्राकृतिक विरासत। अब प्राकृतिक विरासत किस प्रकार की होती है, प्राकृतिक विरासत में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि भूदृश्य, बहुत सारे भूदृश्य हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कोई राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, ओके, कौम वन्य जीव अभयारण्य, कोई भी अभयारण्य हो सकता है वन्य जीव अभयारण्य, ओके, तो वन्य जीव अभयारण्य ये भी क्या है हमारी प्राकृतिक विरासत के अंतर्गत आता है, जल्दी से लिख लीजिए। इसके अलावा जैसे कि बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, ओके, रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे, और जैसे कि यूनेस्को के द्वारा कोई संरक्षित भूमि है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, लिख लीजिए यहाँ पर जगह नहीं है, ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हुए पढ़ेंगे आगे, ओके। और देखिए अगर हम इसकी बात करें, महत्व की बात करें और इसके संरक्षण की बात करें तो इसको हम आगे लिख देते हैं। अगर हम महत्व और संरक्षण की बात करें तो देखिए हम लोग अगर इसके महत्व की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विरासत को संरक्षण करने की नीतियां, विरासत को संरक्षण या संरक्षित करने की नीतियां, ओके। तो देखिए इसमें आपको एक तो देखने को मिलेगी वैश्विक लेवल पर, रणनीति, जैसे कि यूनेस्को के द्वारा और इसी तरह से हम भारतीयों के द्वारा भी बहुत सारी भूमि है, बहुत सारी जगह हैं जिनको हम लोग संरक्षित करते हैं, ओके, भारत सरकार के द्वारा भी बहुत सारी चीजों को संरक्षण दिया जाता है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं थोड़ा सा संस्कृति के ऊपर आते हैं। देखिए संस्कृति क्या है, संस्कृति का विकास कैसे होता है, ये तो कल आप लोगों को पढ़ाएंगे, संस्कृति क्या है, संस्कृति का विकास कैसे होता है, संस्कृति के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अलावा संस्कृति और जो सभ्यता होती है, जो कल्चर होता है, ओके, और आपको देखने को मिलेगा सिविलाइजेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है,
ये सारी चीजों की बात तो हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस समझ लेते हैं। पढ़ने से पहले क्या समझना होता है, पूरा सिलेबस समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए अगर हम बात करें संस्कृति की, ओके, जिसको बोलते हैं कल्चर, ओके, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा दो तरफ। जैसे संस्कृति की एक तो हम देखेंगे सामान्य अवधारणाएं, जो संस्कृति की सामान्य अवधारणाएं ओके अवधारणा देखेंगे, इसके अलावा देखेंगे एवं समझ, इसके अलावा हम लोग देखेंगे भारत के संदर्भ में, दूसरा हम लोग देखेंगे भारत के संदर्भ में संस्कृति को समझाएं, संदर्भ में संस्कृति को समझाएं। देखिए यहां से आप लोगों के जो है ना वो मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं, ओके, समझाना। तो देखिए यहां से आप लोगों के मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इधर की बात कर लेते हैं, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, जैसे कि हम संस्कृति की परिभाषा के बारे में देखेंगे, संस्कृति की हम परिभाषा के बारे में देखेंगे, इसके अलावा हम लोग देखेंगे संस्कृति की विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ओके, संस्कृति का निर्माण कैसे होता है, तीसरा हम लोग देखेंगे संस्कृति का निर्माण कैसे होता है, आप लोगों के लिए नोट डाउन करते रहना है, ओके, ऐसा नहीं है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसके अध्ययन का महत्व क्या है, हम संस्कृति का अध्ययन करते हैं, इसका कोई महत्व है, अध्ययन का महत्व है, इसकी भी हम लोग बात करेंगे, ओके। इसके अलावा देखिए पांचवा, जगह नहीं है इधर, हम लोग लिख देते हैं, पांचवा हम लोग देखेंगे यहाँ पर संस्कृति एवं सभ्यता, संस्कृति एवं सभ्यता, ओके। और छठा हम लोग देखेंगे जो सांस्कृतिक संघर्ष है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता, भारतीय सभ्यता, इसमें संघर्ष देखने को मिलेगा, बहुत सारी सभ्यताएं हैं जिसमें आपस में संघर्ष होता है। तो हम देखेंगे जो सांस्कृतिक सांस्कृतिक संघर्ष या टकराव, संघर्ष या फिर टकराव, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वाले टॉपिक की, ओके, इस वाले को तो हम लिख लिया, अब इस वाले को हम लोग आगे नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे। तो देखिए अगर हम इस वाले की बात करें, तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय संस्कृति है उसकी विशेषताएं, इधर हमने बात की संस्कृति की विशेषताएं, लेकिन इधर हम लोग बात करेंगे भारतीय संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इधर हम लोग बात करेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, ओके। इसी तरह से हम लोग देखेंगे वैश्विक वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, ओके। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जो उपभोक्ता संस्कृति होती है, उपभोक्ता उपभोक्ता संस्कृति संस्कृति एवं भारतीय या फिर भारत पर प्रभाव, ओके। इसके अलावा हम लोग देखेंगे भारतीय संस्कृति के अध्ययन की संस्कृति के अध्ययन की वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में देखेंगे, वर्तमान वर्तमान प्रासंगिकता प्रासंगिकता के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए ये वाली जो पीडीएफ है जो हम लिख रहे हैं, मतलब ये पीडीएफ भी आप लोगों के लिए मिल जाएगी, आप लोग नीचे कमेंट कर देना, आप लोगों के लिए वहां पर एक लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं इसको पीडीएफ के रूप में। तो आप लोगों का अगर कुछ छोटा सा छूट जाता है तो आप लोग बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ओके। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर पांचवा पॉइंट इसी में। तो हम लोग देखेंगे भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार,
विदेशों में प्रचार ओके ये चीज हम लोग यहां पर देखेंगे। और इसके अलावा देखिए हम लोग देखेंगे भारतीय कलाओं के बारे में थोड़ा सा, तो ये टॉपिक तो इसमें इतनी सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे भारतीय कलाओं के बारे में, तो आपको एक नई हेडिंग डालनी है भारतीय कलाएं, भारतीय कलाएं ओके। अगर देखिए अगर हम भारतीय कलाओं की बात करें, कलर चेंज कर लेते हैं यहां पर थोड़ा सा, तो देखिए इसमें भी हम देखेंगे भारतीय कलाओं का अर्थ क्या है, मतलब इसका आशय क्या है, हम इसके आशय के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और दूसरी तरफ हम भारतीय कलाएं हैं इनका वर्गीकरण करेंगे ओके। भारतीय कलाओं का वर्गीकरण, भारतीय कलाओं का वर्गीकरण हम लोग करेंगे। तो देखिए वर्गीकरण हम तीन आधारों पर करेंगे, कितने आधारों पर वर्गीकरण करेंगे, तीन आधारों पर हम लोग वर्गीकरण करेंगे। तो देखिए नंबर एक हम लोग वर्गीकरण करेंगे उपयोगिता के आधार पर, वर्गीकरण उपयोगिता के आधार पर, के आधार पर वर्गीकरण ओके। दूसरा हम लोग वर्गीकरण करेंगे शैली के आधार पर, शैली के आधार पर वर्गीकरण। और तीसरा हम लोग करेंगे सौंदर्य बोध के आधार पर, जिसको बोलते हैं फाइन आर्ट बोलते हैं, सौंदर्य बोध के आधार पर, सौंदर्य बोध के आधार पर वर्गीकरण, जिसको ललित कलाएं या फिर फाइन आर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे देखिए उपयोगिता के आधार पर अगर हम बात करें, तो यहां पर हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर कर लें, यहां पर ये वाले कलर ले लेते हैं। तो देखिए जैसे कि आपको देखने को मिलेगा हस्तशिल्प, अगर उपयोगिता के आधार पर हम लोग बात करें तो नंबर एक आपको देखने को मिलेगा हस्तशिल्प, हस्तशिल्प कला। जैसे कि हस्तशिल्प कला में क्या क्या आता है, जैसे कि वस्त्र उद्योग भी आपको देखने को मिलेगा, आभूषण जो हस्तशिल्प के अंतर्गत आता है, इसके अलावा हाथी दांत पर बनी वस्तुएं, हाथी दांत पर बनी वस्तुएं वस्तुएं कौमा, जैसे कि खेल कूद के सामान हो गए, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, आप लोग यहाँ पर ETC लिख सकते हैं। और इसी तरह से देखिए शैली के आधार पर अगर हम लोग वर्गीकरण करेंगे भारतीय कलाओं का, तो आपको देखने को मिलेगा नंबर एक यहां पर शास्त्रीय, शास्त्रीय कलाएं, शास्त्रीय कलाएं। दूसरा आपको देखने को मिलेगा लोक कलाएं, लोक कलाएं। और तीसरा हम लोग देखेंगे जनजातीय कलाएं, जनजातीय कलाएं ओके। तो तीन आधारों पर हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं, इसी आधार पर हम सौंदर्य बोध को भी दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिए, जब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं ओके। तो जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर हम सौंदर्य बोध के आधार पर बताते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा इसमें दृश्य कलाएं, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा प्रदर्शनकारी जो कलाएं होती हैं। एक्चुअली पानी भी खत्म हो गया, एक्चुअली इसमें बहुत कम पानी था। चलिए वैसे ज्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली आज, छोटी सी क्लास है, पानी खत्म होने वाला है, कोई बात नहीं। देखिए ये वाला है ना, ये हम नेक्स्ट पेज पर कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पर कर देते हैं ओके। तो यहाँ पर पेज ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, इसको बोलते हैं फाइन आर्ट्स भी बोलते हैं, वर्गीकरण फाइन आर्ट्स, जिसको बोलते हैं ललित कलाएं, ललित कलाएं ओके। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो आपको देखने को मिलेगी दृश्य कलाएं, दृश्य कलाएं। दूसरा देखिए आपको यहां पर देखने को मिलेगा जो प्रदर्शनकारी होती हैं ओके, जिसको हम परफॉर्म करते हैं, जैसे डांस क्या है, परफॉर्म किया जाता है ओके। दृश्य कलाएं क्या होती हैं, दृश्य कलाएं भी होती है जिनको हम देखते हैं, जैसे कि मूर्ति कला हो गई, घर हो गया किसी का, जिसको बोलते हैं वास्तु कला, स्थापत्य कला बोलते हैं, ये क्या हो गई, दृश्य कलाएं होंगी। दूसरा होता है प्रदर्शन, जिनको हम लोग करके दिखाते हैं, जैसे गाना को गाना,
नृत्य करना, ये सब क्या हो गई, ये सब क्या हो गई, प्रदर्शनकारी हो गई, जैसे सर्कस दिखाना हो गया, तो ये सब किस में आती हैं, प्रदर्शनकारी में आती। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेंगी प्रदर्शनकारी कलाएं, प्रदर्शनकारी कलाएं। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि देखिए, अगर हम दृश्य कलाओं की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा नंबर एक वास्तुकला, वास्तु कला। ओके, दूसरा आपको देखने को मिलेगा इसमें मूर्ति कला, मूर्ति कला। तीसरा इसमें देखने को मिलेगा जैसे कि चित्रकला, आपने चित्र बना दिया वो आप दिखा रहे हैं किसी के लिए, तो ये सब दृश्य कलाओं के अंतर्गत आते हैं। प्रदर्शनकारी कलाओं के अंतर्गत आते हैं जिन्हें आप परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप संगीत क्या है, गा करके किसी को सुनाते हैं, नृत्य कर करके, नृत्य है वो करके दिखाते हैं, तो नृत्य है। ओके, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, इसके अलावा नाटक हो गया, इसके अलावा कठपुतली। ओके, कठपुतली आपको देखने को मिले, कठपुतली क्या होती है, वो कठपुतली नहीं होती है, वो धागे से ऐसे ऐसे करती हैं, फिर वो नीचे गुड्डा गुड़िया टाइप के होते हैं, वो नाचते हैं, वो कुछ करते हैं, एक्ट करते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे कि सर्कस हो गया, कहते हैं मम्मी मम्मी पापा पापा चलो हमको ले चलो, जादू वाला आया है, सर्कस वाला आया है, हाथी लेकर के आया है, हमको भी देखना है ऐसा करके, तो वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा आपको देखिए काव्य कला भी आपको देखने को मिलेगी, काव्य कला भी आपको देखने को मिलेगी। ओके, ये सब कैसी हैं, प्रदर्शनकारी कलाएं आपको देखने को मिलेंगी। ओके, लेकिन भारतीय अगर हम कलाओं की बात करें तो भारतीय कलाएं जो हैं ये आपस में आपको इंटरलिंक देखने को मिलेंगी। ओके, ये आपस में आपको जुड़ी हुई आपको देखने को मिलेंगी। भारतीय जो कलाएं हैं, भारतीय कलाएं हैं वो आपस में क्या हैं, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ओके, या फिर अंतर संबंधित आपको देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोग देखिए कॉन्टिन्यू रखा करिए, हमारे पास जगह नहीं होती है इसलिए हम पेज को नेक्स्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आपको देखने को मिलेगी भारत में स्तूप देखने को मिलेंगे। स्तूप क्या होते हैं, आपको एक तरह से देखने को मिलेगा गुम्बद नुमा संरचना होती है। हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग से, स्तूप का पहले अर्थ क्या होता था, पहले स्तूप का अर्थ होता था एक उठी हुई संरचना से, लेकिन वर्तमान में स्तूप का मतलब मैक्सिमम जो मानते हैं लोग वो मानते हैं, जैसे कि बौद्ध के संदर्भ में बहुत सारे स्तूप बनाए गए, उनके शारीरिक स्तूप भी बनाए गए। इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे कि उनके जहां पर जहां जहां वो लोग गए, जहां पर बुद्ध थे वो गए थे, जहां पर उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी थी, या फिर जहां के उनके अनुयायी थे, तो उनकी पूजा के लिए एक स्थल बनाया गया था, वो आपको देखने को मिलेंगे वर्तमान में स्तूप। तो स्तूप में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, स्तूप में आपको बौद्ध दर्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, बौद्ध दर्शन आपको देखने को मिलेगा, बौद्ध दर्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको अब स्थापत्य कला भी देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको अशोक देखने को मिलेगा, अशोक ने 80,000 से ज्यादा स्तूपों का अकेले निर्माण कराया था। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर किस प्रकार की स्थापत्य कला होती है, किस प्रकार के वहां पर तोरण द्वार होते हैं, किस प्रकार का उसका अंड होता है, किस प्रकार का होता है, किस प्रकार की वहां पर ईंटों का उपयोग किया गया था, किस प्रकार की संरचना बनाई गई थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मूर्ति कला भी आपको देखने को मिलेगी। आप कहेंगे सर स्तूप, जो स्तूप होता है उसमें कहाँ से मूर्ति कला, तो जैसे कि उसका जो तोरण द्वार होता है, उसका जो दक्षिणापथ जो मार्ग होता है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी कलाकृतियों को, मूर्तियों को उकारा गया है, जैसे कि राजा रानी की, बौद्ध से संबंधित भी बहुत सारी जो उनकी परंपराएं थी, उनके जैसे कि चीजें थी उनसे संबंधित बहुत सारी यहाँ पर जो मूर्तियों को उकारा गया था, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा लोक विश्वास भी देखने को मिलेगा, लोक विश्वास एवं लोक कला, लोक कला आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर हम मंदिरों की बात करें, एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे आप लोग मंदिरों में देखेंगे, ओके, जैसे आप मंदिर किसी भी मंदिर में जाएंगे तो वहां पर आपको स्थापत्य कला देखने को मिलेगी। जैसे कि हो सकता है वो जो है वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला से बना हुआ हो सकता है, उसमें थोड़ा जो इस्लामी संस्कृति है और थोड़ा हमारी जो भारतीय संस्कृति है दोनों को मिला जुला रूप देखने को मिल सकता है, जैसे कि गुम्बद हो गया, बाहर की जो जालियां बनी हुई होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, विभिन्न चीजें हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो हिंदू दर्शन है वो आपको उसमें देखने को मिलेगा मंदिरों के अंदर। इसके अलावा मंदिरों के अंदर बहुत सारी मूर्तियां होती हैं,
वो मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी, तो मूर्ति कला भी देखने को मिलेगी। जिस कालक्रम में वो मंदिर बनाया गया होगा उसी कालक्रम में उसमें मूर्तियां भी स्थापित की गई होंगी, तो उसी काल में वो मूर्तियां भी बनाई गई होंगी। तो हम मूर्तियों के प्रकारों के बारे में भी देख सकते हैं। इसके अलावा वहां पर बहुत सारे चित्रकलाएं हैं, यानी कि चित्रकला को भी दीवालों पर उकारा गया होगा, हो सकता है कहीं भी, तो आपको चित्रकला भी देखने को मिलेगी। और वहां पर आपको संगीत, नृत्य, ये सब कुछ ये आपको मिला जुला एक तरह से रूप देखने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ जो जो कलाएं हैं वो आपस में इंटरलिंक है, अलग अलग देखने को नहीं मिलेंगी, ओके। सब कुछ एक ही में, मंदिर में जाएंगे वहां पर नाच गाना भी होता है, वहां पर मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी, सुंदर सा एक भव्य स्थापत्य कला भी देखने को मिलेगी, सारी चीजें वहां पर धर्म दर्शन देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से आप किसी में भी जाइए, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ओके। इसी तरह से हम लोग अगर बात करें साहित्य और भाषा की, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर नई हेडिंग आप लोग ले डालना है, साहित्य, साहित्य एवं भाषा। देखिए अगर हम साहित्य एवं भाषा की बात करें, तो जो भाषा है भारत में कितने प्रकार की भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं, तो भारत के अंदर सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, ओके। लेकिन आपको प्रमुख देखने को मिलेगी, जैसे जो हम अध्ययन करेंगे, जैसे कि जो संस्कृत भाषा हो गई, पाली भाषा हो गई, पाली भाषा है वो आपको उत्तर भारत में मुख्यतः बोली जाती है, वो आपको देखने को मिलेगी। जहां पर वर्तमान में आज हिंदी भाषा बोली जाती है, वहां पर पहले पाली भाषा बोली जाती थी। इसके अलावा प्राकृत भाषा, जो प्राकृत भाषा क्या होती है, देखिए पाली, प्राकृत, हिंदी लगभग में सेम ही सेम आपको देखने को मिलेगी, विशेष अंतर नहीं होता है इसमें। जैसे कि इसमें जो प्राकृत भाषा होती है, पाली भाषा होती है, जैसे कि इसमें एक प्रकार के शा का उपयोग किया गया, उसमें तीन प्रकार के शा का उपयोग किया गया है, बस छोटा छोटा आपको अंतर देखने को मिलेगा, ओके। ए भी जो प्राकृत भाषा है, ए भी जो आर्य लोग थे तो उन्होंने मध्य युग में इसको बोलना प्रारंभ किया था, आर्यन युग जब चल रहा था उसी युग में, मध्यम आर्यन युग में इसका उपयोग करना प्रारंभ किया गया था। इसी तरह से बाद में क्या आती है, हिंदी आती है, तो हिंदी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा उर्दू भी भाषा थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, और दक्षिण भारत की कुछ मुख्य मुख्य भाषाएं, वैसे बहुत सारी भारत में भाषाएं बोली जाती है, सब नहीं पढ़नी होती हैं। इसके अलावा हम थोड़ी सी तमिल, ओके, तमिल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और साथ में जो संगम साहित्य है, तमिल संगम साहित्य है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए ये पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है, देखिए हम कैसे लाइन खींचते हैं अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है ना ये गेमिंग कंप्यूटर नहीं है। देखिए तेलुगु लिख रहे हैं यहाँ पर, तेलुगु लिखा नहीं जा रहा है, तो देखिए ये क्या होता है ना, ये ज्यादा हैवी कंप्यूटर नहीं है, इस वजह से हैंग करने लगता है। अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इसके बैकग्राउंड में वो वीडियो है वो बहुत ज्यादा MB की स्टोर होती चली जा रही होती चली जा रही है, वैसे ये गर्म होता चला जा रहा है, गर्म होता चला जा रहा है, ये चोक होता चला जा रहा है। हमारा कंप्यूटर है वो अभी आ जाएगा, वो थोड़ा सा कंपनी में गया है जा करके, अभी सही वही होकर के आएगा, तो वो बहुत अच्छा चलता है, वो गेमिंग कंप्यूटर है, बहुत हैवी कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा, ये हैवी कंप्यूटर इतना नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा हैंग करता है। वैसे इसमें भी 8 GB रैम i5 आपको देखने को मिलेगा इसका भी, लेकिन ये बहुत ज्यादा पुराना होने के कारण ये ज्यादा लोड नहीं ले पाता है, हैंग करने लगता है बेचारा। इसी तरह से आपको देखिए हम कन्नड़ के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, ओके। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अगर आप लोग नोट नहीं कर पाते हैं तब भी परेशान नहीं होना है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के अन्य महत्वपूर्ण साहित्य के बारे में भी हम बात करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की बात करेंगे, ओके। तो देखिए जैसे कि आपको देखने को मिलेगा भारतीय धर्म, नंबर एक भारतीय धर्म। तो देखिए जो भारतीय धर्म है, जैसे कि हम इसमें बात करेंगे जैसे कि हिंदू धर्म, ओके, जैसे कि हमारा जो इस्लाम धर्म है उसकी हम लोग बात करेंगे, हमारा जो जैन धर्म है हम उसकी बात करेंगे, हमारा जो बौद्ध धर्म है हम उसकी बात करेंगे, और इसके अलावा जो हमारा पारसी धर्म है और जो हमारा सिख धर्म है इसकी भी हम लोग बात करेंगे, ओके। तो भारत में इतने सारे धर्म देखने को मिलेंगे, इनकी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय दर्शन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, भारतीय दर्शन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जैसे कि वैदिक दर्शन है उसकी हम लोग बात करेंगे, वैदिक दर्शन की बात करेंगे। देखिए जैसे कि उपनिषद आपको देखने को मिलेगा, उपनिषद जिसको बोलते हैं, ओके। इसी तरह से हमारा जो बौद्ध और जैन दर्शन है उसकी बात करेंगे, बौद्ध व जैन दर्शन है, ओके, जैन दर्शन है उसकी बात करेंगे, ओके। जैसे इसका षड् दर्शन आपको देखने को मिलेगा, बौद्ध और जैन का षड् दर्शन आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से हम लोग सूफी
और जो भक्ति दर्शन है इसकी भी हम लोग बात करेंगे, भक्ति दर्शन है हम लोग इसकी भी बात करेंगे, और हम लोग भौतिकतावादी दर्शन की भी बात करेंगे। ओके, भौतिकतावादी दर्शन की भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देखिए पेन थोड़ा सा चल नहीं रहा है, इसीलिए आप लोग खुद से लिख लीजिए। तीसरा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हमारे जो त्योहार हैं, ओके, जो हमारे त्योहार हैं उनकी बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारे मुख्य मुख्य जगह पर मेले होते हैं, उत्सव होते हैं, उनकी भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा देखिए हम लोग बात करेंगे भारतीय समाज की, भारतीय समाज की हम लोग बात करेंगे। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो इसमें हम निरंतरता, भारतीय समाज की निरंतरता की बात करेंगे। इसके अलावा भारतीय समाज में किस तरह से परिवर्तन आ रहे हैं, तो जो परिवर्तन के तत्व हैं, परिवर्तन के तत्व हैं, इनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तत्व ठीक से लिख लीजिएगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो सांस्कृतिक आंदोलन है, भारत में जो सांस्कृतिक आंदोलन है इसकी भी हम लोग बात करेंगे। ओके, सांस्कृतिक आंदोलन, जैसे कि हम लोग देखेंगे प्राचीन काल में, प्राचीन भारतीय समाज में जो सांस्कृतिक आंदोलन हुए थे, जैसे कि बौद्धकालीन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि बौद्ध कालीन धार्मिक एवं बौद्धकालीन धार्मिक धार्मिक एवं दार्शनिक क्रांति, दार्शनिक क्रांति, या फिर क्रांति की जगह आप इसको आंदोलन भी बोल सकते हैं। ओके, इसी तरह से मध्यकाल में भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसी तरह से आपको मध्यकालीन में भी देखने को मिलेगा सांस्कृतिक आंदोलन। तो मध्यकाल में भी हम लोग बात करेंगे, तो मध्यकाल में, मध्य कालीन अगर हम भारतीय की बात करें, तो यहां पर जो सांस्कृतिक आंदोलन हुआ था या फिर सांस्कृतिक आंदोलन हुआ था, तो इसमें देखने को मिलेगा जैसे कि सूफी और भक्ति, सूफी बा भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आधुनिक काल में जो सांस्कृतिक आंदोलन हुआ है उसकी अगर हम बात करें, आधुनिक काल में, आधुनिक भारत में या फिर आधुनिक काल में अगर हम बात करें, तो देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा जो सामाजिक सामाजिक एवं एवं ये देखिए बार बार गड़बड़ा जा रहे हैं, एक मिनट दोबारा से लिख लेते हैं, एवं धार्मिक सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसे कि आप लोग देखेंगे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ओके, इन सभी की उस समय प्रार्थना समाज, इन सभी की स्थापना हुई थी। ओके, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा आंदोलन। ये 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर, देखिए जो अभी हमारा जो चला आ रहा था, अभी आपको दिखाते हैं, देखिए ये 5 नंबर है, इसी के आगे हम लोग लिखने जा रहे हैं। कौन सा नंबर है जो आपको देखने को मिलेगा? 6 नंबर। ओके, यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं 6 नंबर। इसी तरह से हम लोग देखेंगे प्राचीन प्राचीन भारतीय शैक्षणिक संस्थाएं, भारतीय जो हमारी शैक्षणिक, आज देखिए सिलेबस ही आप लोग को समझा रहे हैं, इसीलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी को समझा नहीं रहे, तो समझाएंगे क्या यहाँ पर, अभी आपको सिर्फ सिलेबस दिखा रहे हैं। ओके, कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको तक्षशिला में देखने को मिलेगा। ओके, तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय, और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा विक्रमशिला, विक्रमशिला ये प्राचीन, मतलब हमारे यहाँ आपको देखने को मिलेगा प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे
शैक्षणिक संस्थाएं थी जहां पर विदेशों से छात्र आते थे पढ़ने के लिए। ओके, तो आज हमारे भारत से लोग जाते हैं दूसरी जगह पढ़ने के लिए, आज हम बल्कि उल्टे यहाँ पर चले गए, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम सांस्कृतिक संस्थाएं, सांस्कृतिक जो संस्थाएं हैं इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो सांस्कृतिक पुरस्कार हैं, सांस्कृतिक पुरस्कार हैं, पुरस्कार एवं जो सांस्कृतिक व्यक्ति हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। ओके, और देखिए ये भी आपको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए हम चलचित्र के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जो सिनेमा जिसको आप लोग जानते होंगे, एवं सिनेमा। ओके, एवं खेलकूद। ओके, 10वां आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर हमारा एकदम बोर्ड काम नहीं कर रहा है, इसको पता नहीं क्या हो गया। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर सिनेमा तो लिख लिया, खेलकूद रह गया था। ओके, खेलकूद, तो इन सभी की बात करेंगे। ओके, अब हम लोगों का कल से मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, संस्कृति से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, और यहाँ पर आपके मेंस की आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी, सब कुछ ए टू जेड आप लोगों के लिए पढ़ाया जाएगा। चलिए आज के लेक्चर हम लोग यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। डेली अब आप लोगों की 9 बजे से शाम को क्लासेस चला करेंगे, जो अचीवर बैच के स्टूडेंट है वो लोग ध्यान से सुन लीजिए, अब आप लोगों के लिए परेशान नहीं होना है। वैसे एसके सर आप लोगों के लिए डेली हिस्ट्री पढ़ाया करेंगे, जिस दिन वो नहीं पढ़ाएंगे तब तक हम पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। चलिए इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें। ओके।